शादी कर लो, कोई फायदा नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं इतनी शादियां करने से, इतने कतार लगे रहना होता है। एक दिन जो है पढ़ाई कर लो, दूसरे दिन जो है घूम लो, तीसरे दिन जो है फिर पढ़ाई कर लो, चौथे दिन जो है भैया की शादी कर लो, पांचवें दिन फिर पढ़ाई कर लो, अगले दिन दीदी की शादी कर लो, ठीक है ना, छठे दिन फिर पढ़ाई कर लो, सातवें दिन अपनी शादी कर लो, कोई फायदा नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं इतनी शादियां करने से, इतना घूमने से कोई फायदा नहीं होगा, किसी तरीके का कोई फायदा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है। आज आपने अगर 11 घंटा पढ़ लिया है, अगले दिन आप लोगों ने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा तो वो 11 घंटा पढ़ना बेकार है, बेकार है। अगर 11 की जगह तुमने 6 घंटा पढ़ा होता लेकिन अगले दिन भी 6 घंटा पढ़ा होता, 6 घंटे के अलावा फिर शादी की होती, चाहे जो है कुछ भी किया होता, वो चल जाता, लेकिन कंसिस्टेंसी तो आपकी बनी रहती ना। जो आपने 11 घंटे एक दिन पढ़ लिया तो आपको लगा मैंने बहुत पढ़ लिया, तो उसके बदले में 4 दिन मस्ती कर लिए, तो 4 दिन मस्ती कर लिए तो वो मस्ती जरूरी नहीं थी, मस्ती साथ साथ में जरूरी थी, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी थी। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई होती है तभी कोई सक्सेस मिलती है। आपको पता है, आप जानते हो, इससे एक सबक ले सकते हो। क्या सबक ले सकते हो? जब गर्म लोहा होता है, लोहा गर्म होता है, एकदम रेड हॉट होता है, लाल होता है, शायद सभी लोगों ने देखा होगा, तभी उस पर हथौड़ा मारा जाता है तभी उसका शेप बदलता है। वरना अगर ऐसे ठंडे लोहे पे हथौड़ा मारते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और पता है, जब तक हथौड़ा मारते रहते हैं जब वो गर्म रहता है, और जैसे ही ठंडा हो जाता है फिर उसको गर्म करने के लिए रख दिया जाता है। ये एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक हमको क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है। और हाँ, अल्टीमेटली आप जानते हो, लोहे को गर्म करके एक बार में शेप में ना लाया जा सके, दूसरे बार में ना लाया जा सके तो तीसरे बार में लाया जाएगा। सिलेक्शन एक बार में नहीं हुआ तो दूसरे बार में हुआ, उठो जागो और देखो कि कमी कहां रह गई, और उस कमी को पूरा कर डालो, तो सिलेक्शन तो डेफिनेटली होगा। कहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा हर हालत में होगा। अब तुम लोग कहोगे कि लोग क्लास में पढ़ाने आते हैं, पढ़ाते तो है नहीं, मोटिवेट करते रहते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं। अभी तो मोटिवेशन भी तो जरूरी होता है, मोटिवेशन नहीं देंगे तब क्या होगा तुम लोग का, ठीक है ना। तो अभी एकदम जो है इस टाइम लोहा गर्म है, दूसरे लोग ना पढ़ रहे हैं, दूसरे लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं है, आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ डालो, निकल जाओगे इस बार में, और निकल गए तो बहुत अच्छा मौका होगा आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तुम्हें पता है, कल मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि क्लास पढ़ाई जाए, लेकिन पढ़ाई गई, क्लास नहीं छोड़ी गई। मैंने बार बार बोला आप लोगों को, फ्री का मतलब हम लोगों के लिए फ्री नहीं है, हम लोगों के लिए फ्री नहीं, हमारे लिए